गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो आज हम क्या करेंगे, आज हम राइटिंग करेंगे। आपके पास एक बुक है जिसका नाम क्या है, एक्टिविटी टाइम। तो उस बुक में आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले क्या है सामने, ए, तो ये सामने पिक्चर बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसमें कलर भी करना है और नीचे ए लिखना भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना है ए से, ये क्या है, एरोप्लेन। फिर ये आगे क्या बना हुआ है, एक्स, और ये एप्पल, ठीक है। ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर एक्स, ए फॉर एप्पल। तो यहाँ पे आपको ए बनाना है, जैसे ऊपर बना हुआ है ना, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से ऐसे लाइन खींची, फिर नीचे खींची, यहाँ कर दिया, ठीक है। यहाँ फिर से एक बड़ी लाइन, यहाँ से ऐसे खींची, यहाँ बीच में कर दिया, फिर यहाँ से दोबारा, ऐसे आपको एक ऊपर जो लाइन है पूरे में आपको बड़ा ए बनाना है, और जो ये नीचे वाली है इसमें हमें बनाना है छोटा ए। जैसे जैसे मैं सामने बना रही हूँ ना, सेम आपको ये बुक में बनाना है, ऊपर बड़ा ए और नीचे छोटा ए, ठीक है। और ये पिक्चर बनी हुई है, इनको कलर करना है। अब क्या है, बी फोर बाउल, बी फॉर बैलून और बी फॉर बटरफ्लाई, है ना। तो ये बड़ा बी है और ये छोटा बी है, तो ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है। तो बी फॉर बाउल, बी फॉर बैलून और बी फॉर बटरफ्लाई, तो उसको आप कलर करना और यहाँ पे बड़ा बी बनाना। पहले ऐसे लाइन कीजिए, यहाँ से घुमाया, यहाँ से घुमाया, फिर दोबारा बनाएंगे, साफ राइटिंग में आपको ये काम पूरा करना है। अब नीचे क्या बनाना है, स्मॉल बी, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है। अब बी के बाद क्या आता है, सी। अब ये क्या है, पहले क्या बना हुआ है, सी फॉर कैट, फिर दूसरे में क्या बना हुआ है, सी फॉर कैंडल, और ये सी फॉर केक। अब बर्थडे पर केक काटते हो ना आप सब, तो ये सी फॉर केक, तो इसको कलर करना है। अब नीचे यहाँ पे कैपिटल सी बनाना है, कैपिटल सी ऐसे होता है ना, जैसे सामने बना रहे हो सेम ऐसे ही आपको ये बुक में काम करना है। आपको सी ये पूरा यहाँ तक एंड तक पूरा लिखना है ये। उसके बाद क्या है, नीचे छोटा सी, ठीक है। अब ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है, कैट, कैंडल और केक, इसको कलर करना है। अब क्या है, डी फॉर डॉग, है ना। डॉग के यहाँ पे क्या है, मुंह पे, मुंह के अंदर हड्डी है ना, तो ये क्या है, डी फॉर डॉग। अब ये क्या बना हुआ है, डी फॉर ड्रम। अब ये क्या है, डी फॉर डॉल, है ना।
ऐसे आपको ऊपर वाली लाइन में बड़ा डी बनाना है, ये सामने बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको बुक में ये काम कंप्लीट करना है। आपको ये पूरा घी लिखना है और नीचे छोटा घी बनाना है, स्मॉल घी। ठीक है, अब डी के बाद क्या आता है? ई। अब ये क्या बना हुआ? ई फॉर एग। अब ये कौन सी पिक्चर है? ई फॉर इंजन। अब ये देखो हाथी है ना, तो ये क्या होता है? ई फॉर एलिफेंट। तो इसको भी आप सबको कलर करना है, ऊपर कैपिटल ई, और नीचे छोटा ई बनाना है। जैसे यहाँ पे ऊपर कैपिटल ई है और ये स्मॉल ई है ना, अब हमें यहाँ पे नीचे स्मॉल ई बनाना है। ठीक है, ऐसे आपको ये पूरा काम करना है यहाँ तक। अब ई के बाद क्या आता है? एफ। अब एफ ए क्या बना हुआ है? फ्रॉग, मेंढक बना हुआ है ना ये, तो एफ फॉर फ्रॉग। अभी क्या है? पंख बना हुआ है, तो एफ फॉर फर। अभी आगे क्या है? मछली है, तो एफ फॉर फिश। अभी कैपिटल एफ बना हुआ है, ये स्मॉल एफ बना हुआ है। अब जैसे हमने ऊपर काम किया तो पहले ऊपर आएगा कैपिटल एफ, सीधी लाइन खींचनी है, यहां से एक लाइन, यहां से एक लाइन, फिर सीधी लाइन ऊपर से और नीचे से सीधी लाइन। ठीक है, ऐसे आपको पूरा एफ, कैपिटल एफ आपको यहाँ तक लिखना है पूरा। अब नीचे लिखना है स्मॉल एफ, ऐसे करा, ऊपर से घुमाया, नीचे से घुमाया, ये हो गया हमारा स्मॉल एफ। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको कैसे काम करना है? आपको सेम ऐसे ही काम बुक में पूरा करना है, एफ पूरा यहाँ तक आपको बनाना है। ठीक है, एफ के बाद क्या आता है? जी। अभी पहले क्या बना हुआ है? जी फॉर गोट, और ये क्या है? जी फॉर गुआवा, आप सबने खाया है ना। अभी आगे क्या बना हुआ है? जी फॉर ग्रेप्स, आपको इनको कलर करना है। जैसे हमने पहले पेज पर किया था ना ए बी सी डी ई एफ के साथ, अब जी के साथ ऐसे करना है, ऊपर हम कैपिटल जी बनाएंगे। पहले ऊपर से घुमाया, फिर ऐसे किया, यहाँ खींचा, फिर नीचे कर दिया। ऊपर से घुमाया, नीचे से घुमाया और यहाँ से सीधा कर दिया। ऐसे आपको जी पूरा करना है, और फिर क्या है? नीचे स्मॉल जी। ठीक है, अब जी के बाद क्या आता है? एच। अभी सबसे पहले क्या बना हुआ है? एच फॉर हैन। अभी क्या है? घोड़ा है ना ये, एच फॉर हॉर्स। अभी क्या है? एच फॉर हैक, और हैक कहाँ पर पहनते हैं? सर पर पहनते हैं, है ना। तो ऐसे हम हमें यहाँ पे ऊपर
कैपिटल एच बनाना है, सीधी लाइन यहां से ऐसे किया, फिर दोबारा सीधी लाइन, ऐसे आपको पूरा एच करना है और नीचे छोटा एच। पूरा यहाँ तक आपको ये एच पूरा बनाना है। तो समझ में आया ये आपको किस बुक में काम करना है? एक्टिविटी टाइम में आपको ये पूरा काम करना है, कलर करना है और एच तक पूरा आपको ये काम करना है बुक में, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग फाइल निकालनी है और ड्राइंग फाइल में आपको इसको कलर करना है। ये है कौन? ये है डकलिंग। अब डकलिंग कौन होता है? बतख का बच्चा। तो हमें क्या करना है? इसको कलर करना है। कलर है ना आपके पास? तो आपको इस बतख के बच्चे को कलरफुल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इसकी चोंच में पहले से रेड कलर हो रखा है तो यहाँ पे आपको येलो कलर करना है। तो आइए शुरू करते हैं हम कलर करना। तो सबसे पहले क्या करना है? येलो कलर लेना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर ले रखा है तो अब मैं यहाँ पे इसको कलर करना शुरू करूँगी, ठीक है। यहाँ रखा, यहाँ मैंने इसको येलो कलर करना शुरू किया और ध्यान से ये काम करना है। और ये जो बाहर लाइन बनी हुई है इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना। ये इसके ऊपर भी हमें ध्यान से काम करना है, कलर को अच्छे से पकड़ना और आराम से उसको पूरा कलर करना। जैसे सामने में कर रही हूँ ना कलर, ठीक है। अभी ऊपर हो गया, यहाँ भी आपको, यहाँ पूरे में भी आपको ये पूरा कलर करना है, ठीक है। ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पे आपको पूरे में ये येलो कलर करना है, ठीक है। और जो ये है यहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है? ब्लू कलर, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है। ठीक है, समझ में आया? ऊपर यहाँ पे आपको येलो कलर करना है और यहाँ पे नीचे ब्लू कलर करना है ना। और उसके बाद क्या करना है? आपके पास राइम्स वाली बुक है ना, तो उसमें हम एक पोयम रीड करेंगे, ठीक है। जैसे आज कौन सी पोयम है हमारे सामने? चुईया है ना। ये सामने एक पिक्चर बनी हुई है चुईया की, एक ये छोटी सी चुईया और ये क्या है? बिल्ली है ना। इस पोयम में क्या है? एक चूहा है और एक बिल्ली है, ठीक है। अभी पिक्चर क्या है? ऊपर हमारे सूरज मामा है, नीचे बादल है। अभी क्या है? बिल्ली के हाथ में क्या है? बॉल है, गेंद है ना। वो हाथ में बैग है, आप सब भी खेलते हो ना, बैग बॉल खेलते हो ना। अभी चूहिया है ना। तो और देखो बिल्ली ने क्या पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है ना, और पैरों में ये पहन रखा है, क्योंकि वो अच्छे से रेडी होके खेल गेम खेल रहा है। तो हम पोएम पढ़ेंगे अब। तो क्या है पोएम का नाम? जुइया। तो शुरू करते हैं। बोला चुइया से यू बिल्ला, बोला चुइया से यू बिल्ला, आओ खेले गेंद व बल्ला। चुईया बैठी बड़ी सयानी, बिल्ली की उसने एक ना मानी। बोली मुझको हुआ जुकाम, करूं दूर से ही तुम्हें सलाम, है ना।
इसमें क्या बोला है कि वो जो बिल्ला है, जो बिल्ली है, वो चूहे को खेलने के लिए बुला रहा है, और चूहिया ने उसको बोला, उसकी एक भी बात नहीं मानी, और वहीं पर बोला कि मुझे जुकाम है और मैं खेलूंगी नहीं, और मैं वहीं पर ही सलाम करके हाथ जोड़ के चली गई, है ना। अगर चूहा उसके पास होता तो वो खा जाता उसे। चूहिया ने अपना दिमाग लगाया और बोला मुझे जुकाम है, और वहां से चली गई। तो एक बार दोबारा पढ़े इसको। बोला चूहिया से यूं बिल्ला, आओ खेले गेंद व बल्ला। चूहिया बीठी बड़ी सयानी, उस बिल्ले की उसने एक ना मानी। बोली मुझको हुआ जुकाम, करूं दूर से ही सलाम, करूं दूर से ही तुम्हें सलाम। ठीक है, तो समझ में आई है चूहिया की पोयम? कविता समझ में आई? अच्छी की ना ये कविता? तो अब ऐसी हम एक कविता इंग्लिश में भी करेंगे। अभी सामने पिक्चर है, पिक्चर में क्या है, एक ये लड़का है, किस पे बैठा हुआ है, गाड़ी पे बैठा हुआ है ना। आप सबको पसंद है गाड़ी में बैठना, घूमने जाना। ऐसे ये बच्चा कार में बैठा हुआ है, और ऊपर ये क्या है, ये लाइट बनी हुई है, ऊपर कौन सा कलर है, रेड है, फिर येलो, और नीचे ग्रीन है। और ये लाइट आपने कहाँ पर देखी है, रोड पर देखी है ना, जब बाहर जाके मम्मा पापा के साथ घूमने के लिए देखी है ना, बाहर रेड लाइट होके वो सब रुक जाते हैं, और येलो लाइट पर सब रेडी हो जाते हैं, और ग्रीन पर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक ये पोयम है, क्या नाम है पोयम का, स्टॉप सेज द रेड लाइट, मतलब कि रेड लाइट क्या बताता है हमें कि रुक जाओ, है ना। तो शुरू करें इसको। तो सबसे पहले क्या है, स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द लाइट, वेट से द येलो लाइन, स्टैंडिंग इन बिटवीन। जैसा मैंने अभी बताया था, रेड लाइट हमें क्या बताता है कि रुक जाओ, है ना, और ग्रीन लाइट क्या बताता है, गो मतलब चलो, और येलो लाइट बताता है हमें कि वेट, अभी वेट करो कि ग्रीन लाइट हो जाने का। अब क्या है, स्टैंडिंग इन बिटवीन, अब ये मतलब बीच में ये यहाँ पे खड़ा हुआ है ना। तो एक बार दोबारा पढ़े इसको। स्टॉप सेज द रेड लाइट, गो सेज द ग्रीन, वेट सेज द येलो, स्टैंडिंग इन बिटवीन, है ना। अच्छी पोयम है ना ये वाली। तो रेड लाइट पे हमें रुकना है, येलो लाइट पे हमें वेट करना है, और ग्रीन लाइट पर चलना है। ठीक है, आया समझ में? तो जो भी आपको काम दिया गया है, वो काम आपको कॉपी वो बुक में करना है पूरा। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, बाहर जाओगे तो मास्क लगा कर जाना। तो थैंक यू।